वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं हमारे पास प्रिंटर का मॉडल आया एचपी डेजर्ट अल्ट्रा एडवांटेज 4729 प्रिंटर। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें पेपर का एरर आ जाता है। पेपर का एरर का कारण क्या होता है? पेपर एरर में से एक सेंसर होता है पेपर एरर के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ इसमें एरर क्या है। तो एरर का ये है कि वो पेपर नहीं उठाता है, ये जब हम पेपर को उसको कमांड देते हैं तो पेपर की कमांड नहीं ले पाता है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना होता है हमें उस कंडीशन में, हम क्या करते हैं जब हम इसको पेपर की कमांड देते हैं तो ये पेपर नहीं उठा पाता है, यहीं पे पेपर अटक जाएगा इसमें, इससे आगे पेपर नहीं बढ़ता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इसका डिकोडर सेंसर होता है, एनकोडर होती है, और एक पेपर सेंस करने के लिए सेंसर लगा होता है। हमें उन तीन चीज़ों को साफ करना होता है या चेंज करना होता है तो तभी पेपर उठा पाएगा, नहीं तो ये पेपर नहीं उठाएगा, ऐसे ही एरर देता रहेगा। ये आप देखोगे कि पेपर का एरर आ गया है, एक बार एरर पे शो कराओ। पेपर वाला ये इसका इंडिकेशन होता है और आप यहाँ पे देखोगे पेपर का एरर शो कर रहा है डिस्प्ले पे। तो अभी हम मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इसमें यहाँ पे चार स्क्रू होते हैं, मैंने वे पहले खोले हुए हैं। एक स्क्रू यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और दो स्क्रू इसके यहाँ पे होते हैं, मैंने इनको खोला हुआ है। उसके बाद हम इसको ऊपर का ये स्कैनर वाला टॉप पैनल होता है, ध्यान से इसको बहुत ईजी तरीके से, यहाँ पे दो केबल होती हैं, एक डिस्प्ले के पैनल की होती है, एक कैनन की इसकी होती है, आपकी स्कैनर की, ये दो केबल होती हैं इसमें। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। आप ये यहाँ पे देखोगे कि पेपर कैसे फंसा हुआ है। इस टाइप का यदि पेपर फंसा होता है तो उसमें मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये पेपर का सेंसर होता है, ये डिकोडर सेंसर होता है और ये हमारा एनकोडर होता है। हम इनको साफ करते हैं। थोड़े टिशू से, टिशू पेपर लेके हम उसको साफ करते हैं। और ये जो यहाँ पे ये सेंसर होते हैं, ये बल्ब टाइप आपको नजर आएंगे, इन्हें आप साफ कर लो। जो ये डिकोडर होता है ये बाद की बात होती है, ये पूरा सेंसर होता है। यदि इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर ये डिकोडर सेंसर चेंज ही होता है। हम इसको साफ़ करने के बाद आपको एक बार लगा के फिट करके दिखा रहे हैं कि हमारा प्रिंटर रेडी होता है या नहीं होता है। ये प्रिंटर थोड़ा इजी है खोलने में, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चार इसको खोलो आप, आपका प्रिंटर बाहर निकल जाए, प्रिंटर का ये इसका ये स्कैनर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। भी हमारा प्रिंटर देखते हैं, मुझे लग रहा है 99% हमारा प्रिंटर इसी चीज़ से रेडी हो जाता है जो पेपर की प्रॉब्लम होती है। अब आप देखोगे हमारा प्रिंटर ये पेपर पिक कर रहा है और ये नीचे तक भी अभी स्कैन वगैरह सारा काम प्रॉपर शुरू कर दिया है। तो मोस्टली प्रिंटर आप देखोगे कि सर्विस में भी हो जाते हैं, यदि इस सर्विस से नहीं हमारा प्रिंटर ठीक हो रहा है तो फिर हमारा डिकोडर सेंसर खराब होता है जो चेंज ही होता है, इसमें सर्विस का कोई रोल नहीं होता है। वो पूरा एक हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर को ही चेंज करने के बाद हमारा प्रिंटर रेडी हो पाएगा। जिस प्रकार अभी हमने आपको ये दिखाया कि हमारा पेपर प्रिंटर रेडी हो गया है, तो सूरज कंप्यूटर्स इस प्रकार सारे प्रिंटर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रिंटर अच्छा प्रिंटर होता है, आता है ये 46 नंबर कार्टेज होती है, एक एडवांटेज 4729 मॉडल होता है, ये अच्छा प्रिंटर होता है। यदि आपको परचेज भी करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रिंटर होता है यूज के लिए। इसकी कार्टेज भी अच्छी होती है, कम से कम 250-300 पेज के इस कार्टेज से निकलता है। तो हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।